नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जीके विश्वेंद्र स्वामी में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, बीकानेर का इतिहास, बीकानेर का रठौड़ वंश। दोस्तों, बीकानेर में जो राजवंश शासन किया था वो था रठौड़ वंश, और जो बीकानेर के रठौड़ थे इनका आगमन हुआ था मारवाड़ के रठौड़ों से। तो मारवाड़ के शासक राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीकानेर रठौड़ों की एक नवीन सत्ता प्रारंभ की जागर प्रदेश के आसपास। इसी जागर प्रदेश को वर्तमान में कहा जाता है बीकानेर, और यह जो प्रदेश है इसको प्रारंभ किया, तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, और प्रारंभ किया था या श्रेय दिया जाता है करणी माता को। तो करणी माता के आशीर्वाद से जागर प्रदेश की स्थापना का प्रयास किया। यह प्रयास किया 1465 में, 23 वर्ष इसको बनने में लगे, और 1488 में बीकानेर बनकर तैयार हुआ। जिस तिथि में 1488 में बीकानेर बना वह थी वैशाख शुक्ल तृतीया। इसी बेकार वैशाख शुक्ल तृतीया को इतिहास में आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, और आखा तीज प्रसिद्ध है इसलिए दो प्रमुख कारण है। एक, इस दिन होता है अबुझ सावा। अबुझ मतलब न बुझने वाला सावा, किसी को बुझने की जरूरत नहीं है, इस दिन शादी कर दो, सब कुछ मंगल में होता है। और दूसरा कारण है, इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ राव जेत सिंह। तो एक ग्रंथ है राव जेत सिंह राजछंद, और इस ग्रंथ का लेखक था वो था बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा राव जेतसिरा छंद, और यह ग्रंथ लिखा डिंगल शैली में। राजस्थानी भाषा की दो प्रमुख शैलियां थी, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। डिंगल शैली और भाषा पूछ ले तो मारवाड़ी भाषा। इस ग्रंथ राव जेतसिरा छंद में बिट्टू सुजा ने राव लूणकर्ण को, एक व्यक्ति था काफी प्रसिद्ध शासक था जिसने लूणकर्ण की स्थापना की, राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। कौन से ग्रंथ में कहा? राव जेतसिरा छंद में कहा। या कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण। ठीक है दोस्तों, इसी राव जेसी और एक भारत में मुगल शासक था हिमायू के भाई कामरान और जेत सिंह के बीच एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में जाना जाता है पहुबा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जेत सिंह वर्सेस हिमायू का भाई कामरान, बाबर का बेटा हिमायू और बाबर का बेटा था कामरान, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम था बटनेर का युद्ध। बटनेर का युद्ध, इस बटनेर का युद्ध में कामरान है वो हार गया और जेत सिंह जीत गया। उसके कुछ समय बाद हिमायू का भारत से निर्वासन हो गया। इसी समय इसी जेत सिंह पर वर्सेस मारवाड़ का एक शासक था मालदेव, और उस मालदेव के दो सेनापति थे भी। ठीक है, एक का नाम तो था जेता और दूसरे का कुप्पा। इन जेता व कुप्पा और जेत सिंह के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम था पहुबा का युद्ध। ।1541 में, और इस युद्ध में जेता व कुप्पा जीत गए और जेत सिंह हारा गया। जेता व कुप्पा ने जेत सिंह की हत्या
कर दी। देखो एक ही वंशज है, राठौड़ वंश है, एक ही खून है, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जेतावर गोपाल ने जय सिंह की हत्या कर दी। इसी जेत सिंह का एक पुत्र था और पुत्र का नाम था कल्याणमल। अब कल्याणमल को पता भी मेरे पिता की हत्या किसने की है, जेतावर गोपाल ने, और सेनापति है किसके, मालदेव के। तो यह कल्याणमल मालदेव से बदला लेने की योजना बनाने लगा। तो इस कल्याणमल ने सबसे पहले क्या किया, 1540 के अंदर भारत के अंदर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर हुमायूं है वो भागकर भारत से बाहर भाग गया और भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया शेरशाह सूरी का। तो कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन इस मालदेव ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मालदेव के बारे में अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे मारवाड़ का इतिहास में। तो कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद हुमायूं भारत में वापस आया 1555 में, शेरशाह सूरी हार गया और सॉरी सूरवंश है वो समाप्त हो गया और दोबारा भारत में मुगल वंश स्थापित हो गया 1555 में। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होगी और भारत का शासक बना अकबर। तो अकबर शासक बन गया। तो इस कल्याणमल ने 1570 में एक अकबर ने दरबार लगाया था, नागौर दरबार, और उस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की कल्याणमल ने। देखो यह राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश है जिसने स्वयं अपनी इच्छा से मुगलों के साथ अधीनता उनकी संधि की है, उनके साथ अपना जो अधीनता है वो स्वीकार की है। इससे पहले किया था अमेर के राजा बारमन ने। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही इसके दरबार में गया, इस कल्याणमल के दो पुत्र थे, ठीक है, दो पुत्र, एक का तो नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वी राज या पृथ्वी सिंह राठौर, और ये है राय सिंह राठौर। अपने दोनों पुत्रों की नियुक्ति कर दी, यानी कि इसने सौंप दिया किसको, अकबर को, अकबर के दरबार। जिस तरह से अमेर के राजा बारमन ने अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में नियुक्त किया, उसी तरह कल्याणमल ने भी अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यही पृथ्वीराज राठौड़ इतिहास के अंदर काफी प्रसिद्ध शासक रहा, काफी प्रसिद्ध रहा। इसने ग्रंथ भी लिखा जो राजस्थान के मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया ग्रंथ है, और उसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आज तक पुट हुए। और दूसरा पुत्र था राय सिंह, वह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजपूत सेनापति था। तो देखो अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़ की, यह एक बहुत बड़ा कवि था। इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, ख्यात प्रसिद्धि। तो क्वेश्चन पूछा था वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ किसने लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी की जीवन गाथा है और उनके बारे में इसको बताया गया है। फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया वेली कृष्ण रुक्मणी रा ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया, तो यह ग्रंथ लिखा गया मारवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में। फिर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ जो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है
उसकी भाषा कौन सी है? पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी। तो इसकी भाषा है वो है उत्तरी मारवाड़ी, क्योंकि बीकानेर राजस्थान की उत्तरी दिशा में है, उत्तरी मारवाड़ी। फिर क्वेश्चन आया, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने कहां बैठकर लिखा? तो यह ग्रंथ लिखा गागरौन दुर्ग झालावाड़ में। झालावाड़ में बैठकर लिखा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ है उसके अंदर दो पात्र बताए गए हैं, एक था पाथल और एक था पीतल। तो पाथल किसे कहा गया और पीतल किसे कहा गया है? तो इसके अंदर जो पाथल थे, एक तो पाथल और एक था पीतल। तो पाथल इसमें कहा गया है प्रताप को और पीतल इसने कहा था स्वयं को। महाराणा प्रताप थे, इसके अंदर एक छोटी सी कहानी है, उसके अंदर प्रताप को इसने पाथल के रूप में संबोधित किया है और पीतल के रूप में स्वयं को संबोधित किया है। इसी ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, अध्ययन किया था कर्नल टोड़ ने, और कर्नल टोड़ ने कहा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी महाराणा प्रताप ने, लेकिन वास्तविक इतिहासकार जो है वो इस बात को झूठा मानते हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ था, ठीक है। तो पाथल में पीतल जो पात्र है वो किस ग्रंथ के हैं? बेली कृष्ण रुक्मणी के ख्यात ग्रंथ के हैं। इसी पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, कहा गया डिंगल का हीरोस, हीरोस एक बहुत बड़ा राइटर था, उसके साथ इसकी तुलना की और इसे कहा गया डिंगल का हीरोस, और इसे डिंगल का हीरोस कहा एल पी टेस्टिटोरी, एक इटली का व्यक्ति था, एल पी टेस्टिटोरी विद्वान था, वो राजस्थान में आया, उसने इसको कहा डिंगल का हीरोस। अब बात करते हैं टेस्टिटोरी कौन था, तो ये टेस्टिटोरी था, ये इटली निवासी था, ये राजस्थान में आया किस लिए? रासो साहित्य पर शोध करने के लिए, इसने राजस्थान में रहकर रासो साहित्य पर शोध किया, और इसी शोध के दौरान जब इसने राजस्थानी ग्रंथ पढ़े तो कहा इसको डिंगल का हीरोस, ठीक है। इसी एलपी टेस्टिटोरी की राजस्थान में छतरी है, इसकी छतरी है, और इसकी छतरी है वो है राजस्थान में बीकानेर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रमुख जो पुत्र था कल्याणगढ़ का वो था रायसिंह। यह रायसिंह दो मुगलों के समकालीन रहा भी, समकालीन रहा, एक तो था अकबर और दूसरा था अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का तो यह काफी विश्वास पात्र व्यक्ति रहा था। इसी राय सिंह को अकबर ने, क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति था, तो इस अकबर ने जोधपुर का सूबेदार बनाया इसको, जोधपुर का सूबेदार है। इसी राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इसी राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है कलयुग का कर्ण और एक बनता है राजपुताने का कर्ण, ठीक है दोस्तों। कलयुग का कर्ण कहा था बिट्टू सूजा ने, ठीक है, किसको? कल्याणवर को। और कलयुग का कर्ण राजपुताने का कर्ण कहा गया है राय सिंह को, और कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने।
इसी राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के सामने जयमल व पत्ता जो मेवाड़ के दो वीर सैनिक थे, सेनापति थे, उनके युद्ध कला से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की गजारूढ़ मतलब हाथी पर सवार दो मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले के सामने, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। तो इस राय सिंह ने वहां से वो मूर्तियों को हटाई हुई मूर्तियों को वहां से अपने पास लाया और जूनागढ़ दुर्ग के सामने उनको स्थापित करवाया। उसके बाद इसी राय सिंह को अकबर ने मान सिंह के बाद दूसरा उच्च श्रेणी का मनसबदार बनाया। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक मनसबदारी मिली थी वो मान सिंह को मिली थी, दूसरी मिली थी किसको? राय सिंह को। इसको मिली थी भी 4000 की, ठीक है, लेकिन जागीर ने इसमें 1000 की बढ़ोतरी करी और इस 4000 को कर दिया 5000। जहांगीर ने मनसबदारी की 5000। मनसबदार का मतलब होता है जात प्लस सवार, यानी कि सेना के अंदर जात और सवार कुल जो सही सेना में सैनिक होते हैं उसको कहा जाता है मनसबदारी। और मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी अकबर ने, और सबसे पहले जो मनसबदारी दी थी वो थी मान सिंह को, और दूसरा जो प्रमुख मनसबदार था वो था कौन? राय सिंह। उसके बाद बीकानेर का शासक था एक करण सिंह, करण सिंह, और वंश कौन सा है? राठौर वंश है। इसी समय नागौर का शासक था अमर सिंह राठौर। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, एक युद्ध क्या हुआ, लड़की से लड़ाई हुई, जिसे इतिहास में कहा जाता है मतीरे की राड़, और वो हुई थी 1644 में, और यह है मतीरे की राड़ थी वो अनिर्णायक रही हुई, इसके अंदर निर्णय नहीं निकला और कोई भी विजेता नहीं, ठीक है। अब देखो मतीरे की राड़, एक होता है युद्ध, एक होता है लड़ाई, और एक होता है राड़। युद्ध तो बड़े लेवल पर होता है, लड़ाई उससे थोड़े छोटे लेवल पर, लेकिन युद्ध के अंदर नियम कायदे का पालन किया जाता है, सुबह युद्ध शुरू होगा शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़ाई के अंदर साम दाम दंड भेद लगातार लड़ाई चलती रहती है, रात दिन रुकती नहीं, जैसे करगिल की लड़ाई, ठीक है। अब कहते हैं राड़, राड़ क्या होती है? हल्की मुल्की लड़ाई होती है, जो नामात्र के टॉपिक पर होती है कोई बड़ा इशू नहीं होता। तो यह जो मतीरे की राड़ हुई, तो एक मतीरा एक फ्रूट होता है, एक सब्जी भी कह सकते हैं, फल भी कह सकते हैं, जो मारवाड़ में बहुत होता है। तो देखो यह एक मतीरा था किसी किसान के खेत में लगा हुआ, तो उसकी बैल थी वो तो थी बीकानेर में, लेकिन जो उस पर फ्रूट लगा, जो मतीरा लगा, वो चला गया कहां पर? नागौर के सीमा वाले किसान में। बीच में एक दो खेतों के बीच में एक पाट है या बागड़ी भाषा बोलते हैं डोली, तो डोली है या आट है, तो इसके अंदर यहां तो लगा हुआ था फ्रूट, ठीक है, और इधर थी बैल। तो इधर वाला किसान कहता है ये मेरा है, उधर वाला कहता किसान है मेरा है। इस बात पर दोनों के आपस में गुत्था गुत्था हो गए, एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे, उसने उसके दो एक थप्पड़ मार दिए, उसने उसके दो एक थप्पड़ मार दिए, वो दो चार गाड़ियां वाड़ियां निकाल दी होगी। उसके बाद यह मुद्दा पहुंचा किसके पास है? दोनों राज्य के राजाओं के पास। तो दोनों राजा इसके पीछे युद्ध लड़ने पर तैयार हो गए, और दोनों के बीच में इसके लेकर एक हल्की सी छोटी सी लड़ाई हुई, जिसे कहा जाता है मतीरे की राड़। तो प्रश्न बनता है मतीरे की राड़ किस किस के बीच में हुई? करण सिंह राठौर और अमर सिंह राठौर के बीच। कब हुई? 1644 में, और इसका विजेता कौन रहा? तो कोई विजेता नहीं रहा, क्योंकि इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो। फिर
कुछ समय बाद सन 1818 में एक बीकानेर के जो शासक थे वो थे सूरत से, जिन्होंने सूरतगढ़ शहर की स्थापना की। इन्हीं सूरत सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की इसने बीकानेर के शासक 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर के जो शासक थे वो थे सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी ने अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर सेना भेजी। यह राजस्थान के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर सेना भेजी। इनके अलावा किसी भी राज्य ने राजा ने अपने राजस्थान से बाहर सेना नहीं भेजी, राज्य में जरूर उनकी सहायता की थी। बदले में अंग्रेजों ने सरदार सिंह को अंग्रेजों ने 41 प्रांत उपहार स्वरूप दिए, 41 परगने उपहार स्वरूप दिए। इसके कुछ समय पश्चात जो एक प्रसिद्ध शासक बीकानेर के वो थे गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी जब विश्व में प्रथम बार युद्ध हुआ था, पूरे विश्व ने भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक, उस समय राजस्थान के लिए थे एक राजा बीकानेर रियासत की। तो गंगा सिंह जी ने भारत से बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी, सेना की एक टुकड़ी भेजी और इस टुकड़ी का नाम था गंगा रिसाला। कुछ जगह इसको गंगा रिसाता भी दिखाते हैं। यह ऊंटों पर सवार सैनिक थे भी, तो राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी थी वो भी बीकानेर के शासक ने, और भारत से बाहर भेजी है वो भी बीकानेर के शासक ने। इन्हें गंगा सिंह जी ने गंग नहर बनवाई 1922 से 1928 के बीच में, 1926 के आसपास गंग नहर की स्थापना हुई और एक शहर बसाया और उसका नाम था गंगा नगर। इसी गंगा नगर का पुराना नाम है रामनगर और उससे भी प्राचीन नाम था, इसको कहा जाता था रामूजाट की डांडी। गंग नहर के बाद राजस्थान का यह प्रांत काफी हरा भरा हो गया और इसमें काफी कृषि कार्य करने लगे और गेहूं की अधिकता के कारण इसको राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाने लगा है। इन्हीं गंगा सिंह जी ने वर्षाई की संधि में भाग लिया जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुई, और इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी भाग लिया। उसके बाद इन्हीं गंगा सिंह जी को राजस्थान का ओब्लिक बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि इन भागीरथ जी भारत पर धरती पर गंगा लेकर आए थे और इन्होंने राजस्थान में गंग नहर लेकर आए, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान या बीकानेर का भागीरथ। इन्हीं गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में
लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे लालगढ़ महल कहा जाता है, लालगढ़ पैलेस कहा जाता है, का निर्माण करवाया। और लालगढ़ पैलेस है बीकानेर। उसके बाद शासक बने, जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजादी के समय बीकानेर के शासक थे शार्दूल सिंह जी। शार्दूल सिंह, इन्हीं शार्दूल सिंह की याद में राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल यानी कि खेल विद्यालय स्कूल शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया बीकानेर, जो कि राजस्थान का प्रथम खेल विद्यालय था। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, बीकानेर का इतिहास, जिसकी स्थापना हुई 1488 में और उसके बाद निरंतर जारी रहा, और जो अंतिम शासक रहे थे वो थे शार्दूल सिंह जी। उसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया और उसके बाद रियासती है वो धीरे धीरे रियासतें खत्म होने लगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कोई सुझाव है तो मेरे को व्हाट्सएप पे ही कर सकते हो। कुछ समय बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, इसके लिए मैं थोड़ा समय प्रार्थी हूं, क्योंकि कुछ मित्रों ने मेरे को कॉल भी की और कहा भी सर आपका काफी समय से वीडियो नहीं आया, तो आगे से मेरे निरंतर वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।